तो आजकल के यू नो बिजी लाइफ स्टाइल में हम लोग अपनी स्किन का और बालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाते। यू नो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक हेयर फॉल एंड पिंपल्स एंड बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में उसी चीज़ का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना, एंड तक देखना। एंड तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum. Tonight. Hello everyone, I'm Imanshi और आप देख रहे हैं Smile and Shine. So welcome back to my channel. So इस वीडियो में मैं आपको एक DIY हेयर ऑयल बताने वाली हूँ, जो कि आपके यू नो जो डैमेज्ड हेयर हैं एंड आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसको काफ़ी काफ़ी हद तक आपको कम करेगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ओके। तो आपको क्या करना है, यू नो बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत ही ईजी है। बस एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो आपके घर में अवेलेबल होगा, अदरक ओनली, जिंजर, या सिर्फ अदरक चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, उस अदरक को यू नो कद्दूकस से कद्दूकस करना है एंड उसका रस निकालना है। एंड उसके रस में निकाल के थोड़ा सा आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जो भी है वो रस ले सकते हो। एंड उसमें जो भी आपके घर में जो भी ऑयल अवेलेबल है आप उसमें ऐड कर दीजिए। लाइक याद रखिएगा, रस थोड़ा ज़्यादा हो, ऑयल थोड़ा सा कम हो तो भी चलेगा। तो ठीक है, बस ये आपका DIY हेयर ऑयल बनके तैयार है। एंड इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 घंटे रख लीजिए। एंड बिलीव मी, सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक इसको ट्राई कीजिए एंड आपको अपने बालों पे फर्क बहुत ही यू नो ईजीली आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हेयर ऑयल के साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ जो कि बोनस पॉइंट है, ओके। तो हमारे घर में कूड़ा कचरा निकलता है, लाइक घर में नहीं, किचन में हम लोग प्याज यूज करते हैं, रेड ऑनियन। तो आपको क्या करना है, बस उस रेड ऑनियन के छिलके कलेक्ट करना है एंड उन छिलकों को, यू नो दो प्याज के छिलके बहुत हैं, उन छिलकों को पानी में उबाल देना है। एंड जब तक उबालना है थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट आप उबाल लीजिए एंड वो पानी जो है वो रेड कलर का जब तक कन्वर्ट ना हो तब तक उबाल लीजिए। तो जब वो रेड कलर का पानी आपके पास हो जाएगा ना, तो बस वही आपके पास ऑनियन जो टोनर कह सकते हैं वो आपके पास रेडी है, रेडी फॉर द यूज़। पर इसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो शैम्पू करने से लगभग आधा घंटा पहले आपको इस टोनर से अपने बालों को रिंस करना है। दैट्स इट, आपको अपने बालों को यू नो एक बकेट ले सकते हो
उसमें उस पानी को ओनियन वाटर से अपने बालों को रिंस करना है। आप चाहो उस बकेट की बॉटल को आप रीयूज कर सकते हो, 2 से 3 बार आप रीयूज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ उस जो आपका ओनियन वाटर है उससे आपको रिंस करना है 2-3 बार, जब तक आपके बाल अच्छे से अच्छे से जो ओनियन वाटर हो आपके बालों में ना एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस इतना करना है एंड लगभग 10-15 मिनट बाद प्रोसेस भी करनी है कि 10-15 मिनट बाद आपको कोई भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो। तो वैसे इस टोनर को यूज़ करने का 2 ऑप्शन है, मैं आपको 2 ऑप्शन बता देती हूँ, जो उनसे आपको सही लगे वो आप ट्राई कर लीजिएगा। तो पहला तो मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, अपने बालों को शैम्पू करने से लगभग 10-15 मिनट पहले रिंस कर लीजिएगा इस पानी से। और अगर वो भी नहीं कर पाते हो उस पानी में थोड़ा सा लेके उसको जो आपका शैम्पू है उसको डाइल्यूट कर लेना, या दैट्स इट, उस पानी में थोड़ा सा शैम्पू लेके डाइल्यूट कर लीजिएगा। एंड जो भी आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हो वो आप डाइल्यूट कर लीजिए एंड अपने बालों को उस शैम्पू से धो लीजिए। तो वो पानी का पोर्शन जो है, उस पानी का जो मतलब इफेक्ट है, वो आपके बालों पर देखने को मिलेगा। यू नो, नॉर्मल पानी की जगह आप वो पानी में डाइल्यूट करके शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। तो बस यही है एंड तो कैसा लगा आपको ये तरीका एंड या ये यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। 2 से 3 हफ्तों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिनको भी हेयर कॉल की प्रॉब्लम हो रही हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है मेक इट ग्रे या कम ऑन, तो उस बटन को दबाइएगा। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड मस्त रहो।